अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो यूट्यूब। जमाने के बाद एक व्लॉग कर रहा हूँ मैं, और ये व्लॉग तो वैसा मैं कार में बैठ के हूँ, तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं ये बोलने वाला हूँ निकल, पहली फुर्सत में निकल, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। जमाने से स्पोर्ट्स बाइक लेना बोल के सोच रहा था, मगर स्पोर्ट्स बाइक तो नहीं, लेकिन रेट्रो क्लासिक रॉयल एनफील्ड 350 ले लेंगे आज, बोल के ऐसा दिमाग में आया तो बुक कर दिया। आज डिलीवरी है उसकी, जैकेट लेना है। और ये अब मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बोल के समझो आप लगा, ऐसा मोटो व्लॉगिंग कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट एक बाइक ले रहा हूँ, तो उसकी एक डिलीवरी है आज, तो व्लॉग बनेंगे बोल के सोचा। अब व्लॉग नहीं बना के वैसे ही बहुत दिन आता चैनल पर ना रखे। सो अभी अपन सीधा शोरूम में मिलेंगे। शोरूम में आया, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वाला लेंगे थोड़ी देर में अपन। बाइक्स भी है हम लोग के यहाँ पर ठहरे हुए। अभी अपन बाइक्स का रिव्यू करेंगे। ये है न्यू, ये है ओल्ड बुलेट, तो दोनों के बीच में कंपेरिजन करेंगे। कॉमन डिफरेंसेस की अगर बात करेंगे तो बॉडी वाइज और लुक वाइज दो भी बिल्कुल सेम है, और इंजन टाइप दो भी 350 सीसी इंजन है, लेकिन ओल्ड मॉडल आपको BS3 इंजन था और न्यू मॉडल BS4 इंजन है, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 30.5 लीटर्स की है, और स्पीडोमीटर दोनों भी एनालॉग है, लेकिन ओल्ड मॉडल में आपको फ्यूल इंडिकेटर नहीं था और न्यू मॉडल में फ्यूल इंडिकेटर है। वो ABS सिस्टम है जो कि एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, जो कि न्यू मॉडल में है और मॉडल में नहीं है। ओल्ड मॉडल में आपको सिंगल डिस्क था और न्यू मॉडल में आपको ड्यूल डिस्क है। और मेरे साथ है हारून शेख। हारून भाई क्या बोलना चाहेंगे आप, कैसी दिखी गाड़ी आपको? लाजवाब, जबर है, हैदराबादी की स्लैंग में बोले तो गाड़ी अच्छी है, अंगार है, मेरा गाड़ी भगाना है, ये बुलेट है, काया पर चल। हम लोग आ जाओ अभी समुंदर के पास है, समुंदर गंडी पेड़ है बड़े भाई है हमारा, और अपन ओला के पास जाएंगे, ओला क्या कर देखेंगे। ये तो फोटोशूट चल रहा, और ये है शारिफ, फोटोज की जिम्मेदारी मेरे को मिली, तो मिल देते ना, ले अच्छे लो जरा। बोल समंदर बोल रहे हैं अरुण भाई, ऐसे क्या बोलेंगे अपना अरुण भाई के लिए समंदर ही दिख रहा है। तो ये है उस्मान सागर लेक, और पॉपुलरली नोन एज गंडी पेट लेक, जो कि हैदराबाद से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर अपन इसके एरिया वाइज अगर बात करेंगे तो ये 46 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, लेकिन इसका वाटर रिजर्वर सिर्फ 29-30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। अगर बात करेंगे अपन अगर लेक की कैपेसिटी की, तो 3.9 मिलियन क्यूबिक फीट है, जो कि अगर आप लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इतना होता। और अगर आप ना पूछेंगे ये लेक क्यों मरा, इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन ये है जब 1908 में हैदराबाद ने मूसी रिवर की वजह से जो फ्लड्स है, फ्लड्स में 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी, और जबकि अपने रूलर थे मीर उस्मान अली खान, जो कि हैदराबाद के लास्ट निज़ाम है, उन्होंने फ्लड्स को दिल पे ले लिया, और दिल पे ले लेके फ्लड कंट्रोल सिस्टम बोल के इनिशिएटिव करने के बाद 1920 में उन्होंने डैम कंस्ट्रक्ट करवाए, जिसकी वजह से हैदराबाद में पूरे फ्लड्स कंट्रोल हो गए, और जब से लेके अभी तक ये हैदराबाद का मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बन गया, और ये लेक अभी टूरिस्ट स्पॉट बन गया, और ये लेक पूरा अभी तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर है। ये देखो ले तो ऐसा ढकलना पड़ता, बुलेट देखो एक ही बार में चढ़ जा रही, चलो 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 चलो, यस हारून यू कैन डू इट हारून, बुलेट एक ही बार में चढ़ जा रही देखो। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, आवर चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे यार शारिफ, अरे हल्लू चलो गिर जाते यार।